टू माई चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज अपने इस वीडियो में आपको सेल्फ हेयर स्टाइल बताऊंगी जो कि आप पार्टी में, वेडिंग में, किसी भी तरीके से अपने आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं और काफ़ी सिंपल लगेंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने ये अपलोड किया हुआ है अपने चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। क्रायलॉन सुप्रा से किया गया है मेकअप और आई मेकअप तो आप देख ही रहेंगे, बिल्कुल डिटेल में है मेरे वीडियो। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा मेरा चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी रील देखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाले हैं दोनों साइड से और बैक में सिंपल पोनी करके डोनट लगाया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया। डोनट लगाना बहुत ही सिंपल है और सभी लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सेंटर पार्टिंग निकालेंगे और मैंने हल्की सी क्रिम्पिंग की है, बिल्कुल हल्की सी। आप चाहे तो यहाँ पर अपने लेयर्स के लिए बाल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर लेयर्स निकालना पसंद नहीं है तो बिल्कुल भी ना निकालिएगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल चिपका चिपका हो जाएगा। आप थोड़ी सी क्रिम्पिंग करिएगा हेयर में और क्रिम्पिंग करने के बाद इन बालों में वॉल्यूम लाने के लिए आप हल्की सी बैककॉम करिएगा तो जब स्ट्रेट होते हैं हमारे तो भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम इन्हें बिल्कुल चिपका के नहीं बनाएंगे। अब इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा हमारा बिल्कुल उठा हुआ आएगा और आप इस तरीके से इसको चिपकाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ से हम एक पिन लगाएंगे, हमेशा बॉबी पिन या जुड़ा पिन लगाते टाइम आप ध्यान करेंगे कि पिनें थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आपकी। बॉबी पिन मैं लगा रही हूँ यहाँ पे और ये जो बचे हुए बाल हैं इन्हें हम अपने डोनट के चारों तरफ लपेट देंगे। अब इस तरफ के भी ले लेंगे, आप तरीके से बालों को लेंगे और हल्का हल्का बैक कॉम करेंगे। मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ, आप देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि बड़े फोरहेड पर कितने ज्यादा अच्छे लगेंगे ये हेयर स्टाइल। और इस तरीके से कोई ट्विस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपल लगाना है। अगर ट्विस्ट करेंगे तो वो हमारा अलग बन जाएगा तो आपको ट्विस्ट नहीं करना है। और आजकल देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग में है, ज्यादातर हमारी ब्राइड भी यही करवाना पसंद करती है और काफी अच्छी भी लगती है। तो ये बचे हुए बाल है आप देख रहे हो, अगर आप ब्राइड कर रहे हैं तो भी सुंदर लगेगा। जब हम मांग भरते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बंगाली लुक करते हैं आप मांग भरते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है, बट आप वेडिंग में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इस तरीके से एक अच्छा सा टीका भी लगा लेते हैं तो भी ये आपको बहुत अच्छा लुक देगा। इस तरीके का थोड़ा सा नीचे करके लगाना चाहें तो लगा लीजिए। तो सेंटर में होते हुए भी आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये हेयर स्टाइल। और बैक से हमारा बिल्कुल सिंपल है तो आप देख सकते हो डोनेट लगाया है। आपको इस तरीके के फ्लावर इजीली मिल जाते हैं मार्केट में तो आप इनसे अपने जुड़े की रौनक बढ़ा सकते हैं। आपने देखा अगर आप ब्राइड बनने जा रहे हैं या खुद ही पार्टी या वेडिंग में जा रहे हैं तो ये हेयर स्टाइल भी कितना अच्छा लगेगा। सिंपल पार्टिंग में किया है, बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और बाल इधर उधर भी नहीं गिरेंगे, ना ही उलझेंगे, ना ही कुछ होगा और ना ही लेयर्स निकाले। अगर आपका ब्रॉड फेस है तो आप लेयर्स भी निकालते हैं, बट आप अगर वेडिंग है आपकी, आप दुल्हन बन रहे हैं तो आप देखिएगा कि नथ के साथ भी ये कितना सुंदर लगेगा और काफ़ी प्यारा लुक आएगा और बहुत सिंपल सोबर सा लुक देगा आपको। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और जब आप एक ब्राइड बनते हैं, अपने आप घर में खुद मेकअप करते हैं तो आप देखिएगा कि इस पे दुपट्टा रखना कितना आसान होता है और काफ़ी सुंदर लगता है जब हमारे हेयर थोड़े से यहाँ से प्लेन से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप अगर वेडिंग में जा रहे हैं, खुद ही सेल्फ ब्राइड बन रहे हैं तो हर तरीके से बेस्ट है। बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड हेयर स्टाइल की। आप चाहते हैं आपको स्ट्रेट लुक बिल्कुल पसंद नहीं है तो हल्का सा आप, हमने इस तरीके से किया था बट हल्की सी बैक कॉम पहले से की हुई है और आप इसमें कोई ट्विस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ आपने पहले देखा होगा हम इस तरीके से लगा देते थे, आपको इधर ले जाकर सिर्फ हल्का सा फ्रंट की तरफ इस तरीके से करना है, सिर्फ इतना सा। और आप देखेंगे कि सिर्फ थोड़े से चेंज में हमारा लुक ही चेंज हो जाता है। और यहाँ से हम लगाएंगे पिन
क्रॉस में करके सिर्फ दो पिन का इस्तेमाल करती हूँ इस तरीके से। और ये देखेंगे अब ये किस टाइप का लुक देगा हमें। और इसमें अगर आप माथा पट्टी लगाते हैं तो माथा पट्टी भी लगा सकते हैं, आप चाहे वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ब्राइड नहीं है तो देख सकते हो बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं करना है, यहाँ पे रखते हुए हल्का सा फ्रंट की तरफ करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रिम्पिंग हो गई है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बाउंसी से हो जाते हैं हमारे हेयर क्रिम्पिंग करने के बाद। बट इसमें आप देख रहे हो अगर मेरा फोर हेड बड़ा है आपने ऊपर की तरफ उठा लिए तो फोर हेड को एक शेप मिल जाती है। अगर आप माथा पट्टी लगा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप बड़ा टीका लगा रहे हैं तो भी अच्छा है, वरना आप पार्टी या वेडिंग में है तो साइड में थोड़ी सी लेयर्स जरूर निकालिएगा। इसके साथ ही अब ये जो हमारे एक्स्ट्रा बचे हुए बाल हैं इन्हें फिर से इसी तरीके से कवर कर लेंगे हम अपने पीछे इस तरीके से। आप देख रहे हो मैं सिर्फ एक ही जूड़ा पिन का इस्तेमाल करते हुए रोकूंगी। यहाँ से ये वाले हेयर है हमारे, इनको भी इस तरीके से लगा लेंगे ये। अब आप अगर ब्राइड हैं तो सिंपल इस तरीके के हमें मार्केट में मिल जाते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पास कोई भी एसेसरीज वगैरह है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं डाल दूंगी, आप देख रहे हो कितना सुंदर साइड से लुक आ रहा है। और आप अगर ब्राइड बनने जा रही हैं तो इस हेयर स्टाइल में हमारा टीका और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि इससे थोड़ा सा उभर के आ गया है। और आप जब हमारी वेडिंग होती है हमें मांग भरनी होती है तो सेंटर पार्टिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और अच्छा भी लगता है। तो ये देख सकते हो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कोई लेयर्स नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये और ज़्यादा परफेक्ट है। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको भी घर बैठे बैठे आ जाइए। तो आप देख सकते हो बैक में डोनट ही लगाया हुआ है जो कि सभी को आता ही है इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, बट फ्रंट के ज़्यादा जरूरी होते हैं कि अगर फोरहेड बड़ा है या आपकी वेडिंग होने वाली है या आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो किस तरीके के आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अभी मैं आपको दुपट्टा रख के दिखाती हूँ कि अगर आपने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया तो कैसा लगेगा। और हमारा जूड़ा पीछे की तरफ है और ब्राइड आजकल ज़्यादा चाहती भी नहीं कि हेयर स्टाइल का लुक कुछ आए, ये देख सकते हो इसमें फेस को एक और ज़्यादा सुंदर सा लुक मिलता है, रखेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लुक मिलेगा। तो आप ब्राइड हैं या वैसे भी वेडिंग वगैरह में करना चाहते हैं तो ये हेयर स्टाइल भी बिल्कुल परफेक्ट है, हल्की सी लेयर निकालना चाहते हैं तो भी परफेक्ट है। आप अगर ब्राइड हैं तो आपकी नथ के साथ तो ये बड़ा ही सुंदर लगेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये देख सकते हैं। तो हर तरीके से परफेक्ट होते हैं हमारे ऐसे हेयर स्टाइल और ना ही हमारे बाल उलझते हैं, ना ही कुछ होता है और ना ही मेहनत लगती है। और ये इतने अच्छे हैं जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस ज़्यादा है, आप पार्लर नहीं जाना चाहते, खुद ही मेकअप करना चाहते हैं तो ये मेकअप देखकर करते हैं अपने घर में ही। तो चलिए चलते हैं हम तीसरे की तरफ। तो अब देखते हैं ऐसे हेयर स्टाइल पसंद नहीं आते, मैं थोड़े ट्विस्ट में चाहती हूँ या साइड पार्टिंग में चाहती हूँ तो देख लेते हैं उनका भी लुक किस तरीके के आएगा हमारे फेस पर। और ये हेयर स्टाइल दोनों हैं जो छोटा फोर हेड है आपका तो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे और बहुत सुंदर भी लगेंगे, हमारे फोर हेड को स्पेस भी मिल जाएगा माथा पट्टी या टीके के लिए, या वैसे भी आप बिंदी लगा रहे हैं पार्टी वगैरह में तो भी बहुत सुंदर लगेगा। और बड़े फोर हेड पर तो मैं दिखा ही रही हूँ, आप सामने देख सकते हैं, आपका थोड़ा लॉन्ग फोर हेड है तो आप उस पर भी ये बना सकते हैं। पर मैंने एक ट्विस्ट का और आपको बताती हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है तो हम यहाँ से बालों को पकड़ेंगे और इसको अच्छे से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। ये हेयर स्टाइल आपने देखे होंगे राधा कृष्ण सीरियल चल रहा है तो बहुत सुंदर विदाउट ट्विस्ट बताया था, बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसमें हमें ट्विस्ट करना है और काफ़ी सुंदर लगेगा ये। आप इसे ट्विस्ट किया हुआ है और यहाँ पर भी आप लेयर्स निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं अगर आप पार्टी या वेडिंग में कर रहे हैं, बट आप ब्राइड हैं आप माथा पट्टी लगवाएंगे तो आपको लेयर्स की जरूरत नहीं है, या आप टीका लगा रहे हैं तो भी आप लेयर्स निकाल सकते हैं। आप दूसरी तरफ का भी देखेंगे, बालों को इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे और इसमें हमें ट्विस्ट करना है, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से हमें ट्विस्ट देने हैं ऐसे, और फिर हमें यहाँ पर बॉबी पिन इस्तेमाल करने हैं। बॉबी पिन मैं हमेशा क्रॉस में ही लगाती हूँ और यहाँ पर बड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरीके से एक लगा लेंगे और इसके बाद दूसरी लगाएंगे। और देख लो जितने हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ आपको बड़े फोरहेड पर ही हैं और काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो लेयर्स वगैरह का भी इसीलिए बता रही हूँ कि आप कई बार लेयर्स निकालना पसंद करेंगे तो निकाल सकते हैं। और बचे हुए बालों को पीछे की तरफ कर देंगे इस तरीके से, बराबर बराबर उठाएगा इनको। और आप थोड़ी ज़्यादा बैक कॉम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, रखेंगे तो पीछे के, इसमें भी आप दुपट्टा रखेंगे तो पीछे की तरफ ही रखेंगे जैसा कि मैं रख रही हूँ यहाँ पर इतना पीछे। अगर आप इसमें फ्रंट की तरफ रखेंगे तो ये दब जाएगा हेयर स्टाइल, आप इसमें या तो ज़्यादा बैक कॉम करिएगा या फिर स्टफ़ी के साथ करिएगा। ब्राइड के करते हैं तो हम हल्की स्टफ़ी या ज़्यादा बैक कॉम के साथ करते हैं, बट आप घर में कर रहे हैं तो अपना
दुपट्टा थोड़ा पीछे करिएगा या फिर वो वाले हेयर स्टाइल बनाएगा जिनमें आप दुपट्टा आगे रख सके। रियल वॉइस होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया। मैंने 7 फ्रंट हेयर स्टाइल बताए आपको लॉन्ग फॉरहेड पे, शॉर्ट पे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। मेरे ये हेयर स्टाइल कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और ऑनलाइन पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए मेरे चैनल पर। आपको ये आज का मेरा वीडियो और मेरे हेयर स्टाइल अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।